दिखाई देगी बॉलीवुड की एक और नई फ्रेश जोड़ी। फिल्म की कहानी 1994 की ओरिजिनल फिल्म से कितनी अलग होने वाली है, क्या कहना है फिल्म की पुरानी कास्ट का इस बारे में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जैल। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने काजोल और शिल्पा शेट्टी अभिनीत फिल्म बाजीगर से पहली बार नकारात्मक पक्ष दिखाया और फिर अंजाम में उनके नेगेटिव शेड को देखकर सब डर जाते थे। स्क्रीन पर जब आते थे तबाही मच जाती थी और तभी से नेगेटिव किरदार का सिलसिला शुरू हुआ। इस फिल्म के जरिए पहली बार माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान एक साथ आए थे। इसके बाद यश चोपड़ा की डर भी एक फिल्म थी जिसमें कि वो नेगेटिव किरदार में थे। उसके बाद खान सबसे लोकप्रिय संवाद आई लव यू किरण अभी भी दर्शकों के बीच बरकरार है और बहुत ज्यादा सराहा जाता है। 1994 में जब अंजाम आई थी तो उसमें बने थे वो जुनूनी प्रेमी। अंजाम पहली फिल्म थी जिसमें शाहरुख और माधुरी की जोड़ी दिखाई गई। ये फिल्म व्यावसायिक रूप से असफल रही लेकिन किंग खान ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता, जबकि धक धक गर्ल माधुरी को उनकी भूमिका के लिए फिल्मफेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। माधुरी और शाहरुख की जोड़ी ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को कोयला, दिल तो पागल है, देवदास, हम तुम्हारे सनम जैसी फिल्में दी। दोनों की सबसे पहली फिल्म साथ में थी अंजाम, जिसका अंजाम काफी अच्छा दिखाई दिया इनके करियर में। फिल्म के सेकंड पार्ट यानी कि अंजाम 2 की बात करें तो इसके लिए चर्चा है और दोबारा किस जोड़ी को मौका मिलेगा फिर से पेश करने के लिए उसी तरह, ये देखना दिलचस्प होगा। इस पर कई नाम सामने आए हैं लेकिन पहली बार एक नई और फ्रेश जोड़ी को ये मौका मिलने जा रहा है। फिल्म की कहानी कुछ हद तक वैसी ही एक ऑब्सेसिव लवर की कहानी होगी लेकिन इसमें कुछ नयापन डाला जाना है। तो पहले बात करते हैं फिल्म की कहानी क्या होने वाली है। तो मूल रूप से होने वाला ऐसा है कि हीरोइन यानी कि माधुरी दीक्षित उस फिल्म में जैसे कि एयर होस्टेस थी लेकिन इस बार ये फेमस मॉडल पर बेस्ड होगी जिसकी तस्वीरें मैगजीन में देखकर एक अमीर गेमर का दिल इस पर आ जाता है जो अपने अगले गेम की वॉरियर प्रिंसेस के किरदार की इंस्पिरेशन इसी हसीन अदाकारा के चेहरे से लेता है। जब ये गेम देश विदेश में पहुंचती है तब एक इंटरव्यू में वो खुलासा करता है कि उसकी इंस्पिरेशन यही मशहूर मॉडल है जिसको वो पसंद भी करता है। ये बात जब उस मॉडल तक पहुंचती है तो वो खुश होने की बजाय कॉपीराइट के चार्जेस हीरो पर लगा देती है और पहली बार दोनों की जब मुलाकात होती है तो हीरो जहां प्यार में पागल मानो सब कुछ भूलकर सारे चार्जेस मान लेता है और खुशी खुशी उस मॉडल को जुर्माना अदा कर देता है। मॉडल हैरान रह जाती है और वहां से चली जाती है। उसे काफी अजीब और डर भी लगता है हीरो के ऐसे बर्ताव से। हीरो उस मॉडल को हर दिन गिफ्ट भेजता है लेकिन वो फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है और जब हीरो उस मॉडल के आगे शादी का प्रस्ताव रखता है तो मॉडल का फोटोग्राफर दोस्त बीच में आकर उसे शादी नहीं करने की सलाह देता है लेकिन वो अमीर गेमर अपने पैसों की ताकत से उसके दोस्त को भी खरीद लेता है और उसे हीरोइन को पटाने की टिप्स लेता है। अब इन टिप्स का जादू हीरोइन पर चल भी जाता है और दोनों की शादी भी हो जाती है लेकिन वो अपनी शादी गुप्त रखते हैं ताकि लड़की का मॉडलिंग करियर खराब ना हो। लेकिन फिर हीरोइन जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो हीरो उसे अपना करियर छोड़ आराम करने को कहता है। फिर कहानी में आता है ट्विस्ट जब हीरो को मालूम चलता है कि ये बच्चा दरअसल उसका नहीं बल्कि उस फोटोग्राफर का है और तब हीरो हीरोइन और उसके आशिक को मारने का प्लान बनाता है। वही हीरोइन भी हीरो को मारकर उसका सारा पैसा लेकर अपने फोटोग्राफर आशिक और बच्चे के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती है। तो क्या होगा उस प्यार का, उस जुनून और लालच का अंजाम? आपको बता दें हीरो के किरदार में आपको राजकुमार राव नजर आ सकते हैं जो कि एक वर्सेटाइल एक्टर है। तो हीरोइन के तौर पर आपको मिस वर्ल्ड मानुषी छल्लर नजर आ सकती है। ये पेयरिंग काफी फ्रेश है, नई है, एकदम हटकर है और इसे फिल्म का एक्स फैक्टर भी माना जा रहा है। वहीं ओरिजिनल फिल्म की हीरोइन माधुरी दीक्षित से जब पूछा गया कि क्या कहना है उनका फिल्म की सेकंड बात को लेकर तो अभिनेत्री ने कहा कि उनका मानना है कि एक फिल्म में जान फिल्म के एक्टर्स और डायरेक्टर्स डालते हैं। उन्होंने कहा कि 1994 की फिल्म अंजाम की खासियत ये थी कि शाहरुख की एक्टिंग दर्शकों को इतनी रियल लगी थी कि उन्हें विश्वास होने लगा कि शाहरुख असलियत में वही ऑब्सेसिव लवर है। वही मैंने राजकुमार की फिल्में देखी है और जानती हूँ कि वो शाहरुख के कितने बड़े फैन हैं। तो मेरा मानना ये है कि राजकुमार ही इस भूमिका के लिए परफेक्ट चॉइस है। तो आपका क्या कहना है इस पेयरिंग के बारे में? कैसी लगी अंजाम 2 की कहानी? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में
ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल पॉलीग्राट स्टूडियोज़ को।